और इस पर जाते जाते और एक बात बोल दूं, जी मार्टिन लूथर किंग नाम के संत थे क्रिश्चियनिटी में, वो बड़े उस समय के बागी संत माने जाते थे। तो उनका एक कोट कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि अगर स्वर्ग से नीचे उतरकर देवदूत में हमें कहने लगे कि बाइबल पर भरोसा मत करो, तो हमको कान में रुई डालकर हाथ लगाकर उनका सुनना भी नहीं है, इतना हमको बाइबल पर भरोसा करना चाहिए। यानी भगवान उतर कर भी सच बोले तो हमको नहीं सुनना है, हमको वो उस किताब पर ध्यान रखना है। बस आपके हमारे देश के दुनिया के लिबरल्स लेफ्टिस्ट उनकी ये हालत हो गई है, को आप सही कह रहे हैं। ला के उनको सच बता, वो कान में रुई डालेंगे, हाथ कान में उंगलियां डालकर बंद करेंगे और सुनेंगे नहीं। तो बस वही हो गया। अगर वो उस समय बीजेपी का प्रवक्ता कुछ समझा रहा है, मुझे याद है शायद वो कोई मालवीय था या संबित पात्रा बोल रहे थे, लेकिन सामने वाले को सुनना नहीं था। अब जब चुनाव होके आ गए तो संबित पात्रा बोल रहे थे वही सच हुआ है। देखो और एक बात बताओ, एक कोट बता दूं आपको, आयन रैंड नाम की बड़ी बड़ी लेखिका हो गई अंग्रेजी में, उन्होंने 50-60 साल पूर्व एक किताब लिख के एटलस रन, बड़े उनकी किताबें बहुत कंट्रोवर्शियल हुई और थॉटफुल होती है। तो उनका एक कोट है कि आप सच को झुठला सकते, सच को नकार सकते, लेकिन सच के परिणाम नकार नहीं सकते। तो जी जो जी कुछ यूपी में कल परसों हो गया है वो है।